गुड आफ्टरनून क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रेट एंड स्क्वायर रूट्स। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ ए नंबर। लिख देता हूँ स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर टू। क्या कह रहा है? स्क्वायर ऑफ ए नंबर का वो होगा वो उस नंबर की पावर वन से लेकर टू बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं फोर, फोर का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर ऑफ फोर क्या हो जाएगा? फोर की पावर टू। इसकी पावर जो है यह वन थी, हम वन लिखते नहीं है, तो यह वन से टू हो जाएगी। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज डैट नंबर रेज टू पावर टू। किसी भी नंबर का स्क्वायर करना मतलब उसकी पावर टू करना। और इसका मतलब क्या होता है? फोर की पावर टू का मतलब क्या होता है? फोर को दो बार आपस में मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल्स टू 16। दैट इज स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 16। सिमिलरली स्क्वायर ऑफ 5 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 25। स्क्वायर का मतलब यही है, हमें किसी भी नंबर किसी भी नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर फाइंड करने को बोल दिया तो हमें सिंपली उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है खुद से ही। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर हमें 8 का स्क्वायर करना फाइंड करना है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 एट इज इक्वल टू 64। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें उसको मल्टीप्लाई उसकी पावर 1 से लेकर 2 बढ़ानी है, दैट पावर रेज टू 2, और इसका मतलब है आपस में मल्टीप्लाई। अब हम बात करते हैं स्क्वायर का मतलब, आप समझ गए स्क्वायर रूट्स का मतलब। जैसे लिख देता हूँ, ए परफेक्ट स्क्वायर इज ए नेचुरल नंबर विच इज द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमने स्क्वायर किसका किया? नेचुरल नंबर का। और क्या आया हमारे पास? 25। ये क्या कहता है? परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा जो क्या होगा? स्क्वायर होगा किसी और नेचुरल नंबर का। इसे सिकंदर में देखूँ 25 को छोड़ो, जैसे कि हमने दो एग्जांपल लिए 84 एंड 36। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो हम इन दोनों के सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर करना आपको आते होंगे। जैसे हम 36 का फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 1 8 2 9 3 = 9 मतलब 36 = 2 × 2 × 3 × 3। सिमिलरली अगर हम 84 को ऐसे ही करें तो 84 आएगा हमारे पास 2 × 2 × 3 × 7। मतलब हमने इन क्या किया? फैक्टर किए। 36 का क्या कर दिया? 2 × 2 × 3 × 3। 84 का 2 × 2 × 3 × 7। अब हमें इसमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चेक करना है? पेयर्स। 2 2 के पेयर हो गए, एक पेयर ये हो गया। 36 को हमने जिस फॉर्म में लिखा उसके अंदर हमारे पास दो पेयर आ गए, एक 2 का एक 3 का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू 2 × 3 दोनों का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36। मतलब हमने क्या करा? 36 क्या है? 6 का स्क्वायर हुआ। 36 क्या हुआ? 6 का स्क्वायर हुआ। 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, PS। 36 क्या है हमारा? परफेक्ट स्क्वायर। 84 का अगर हम बात करें तो इसको हमने लिख दिया
टू का स्क्वायर, लेकिन हम थ्री का स्क्वायर और सेवन का स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थ्री और सेवन का पेयर नहीं बन रहा हमारे पास। द फैक्टर ऑफ 84 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फैक्टर। इसके अंदर ये आइडेंटिकल हो गया, टू इंटू टू, थ्री इंटू थ्री यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पर थ्री इंटू थ्री हमें नहीं मिल रहा, तो ये 84 जो है इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हमने क्या कहा, फोर का स्क्वायर 16, तो 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, फोर का। 25 जो है किसका स्क्वायर है, फाइव का। 36 जो है किसका स्क्वायर हमने निकाल लिया, सिक्स का। तो हमें, लेकिन 84 ऐसे किसी का स्क्वायर नहीं होगा, मतलब कि क्या है परफेक्ट स्क्वायर का, मतलब वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। 84 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, 36 के बाद 49 आएगा जो कि स्क्वायर होगा 7 का, 49 परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब जिस भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर इज नेचुरल नंबर, 84 ऐसे मान 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो लाइन के हिसाब से अगर हम इसे देखें, ए परफेक्ट स्क्वायर इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है नेचुरल नंबर है, विच इज द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर, जो कि स्क्वायर है किसी और नेचुरल नंबर का, किसका है, सिक्स का। लेकिन हम 84 के लिए ऐसा कोई नंबर फाइंड नहीं कर सकते नेचुरल नंबर, इसीलिए 84 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे हमारे बुक में कुछ नंबर से स्क्वायर लिखे हैं, 1 × 1 = 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 20 तक के हमारे पास स्क्वायर गिवन है। इन्हें आप याद कर लेना, हो जाएंगे याद इजीली। याद नहीं भी करो तो आपस में मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर निकाल सकते हो। हमें फिर क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर की, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। कोई भी इवन नंबर जो होगा उसका स्क्वायर हमेशा इवन होगा। यहाँ पे इवन नंबर हमारे पास क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 भी इवन नंबर है। इवन नंबर क्या है हमारे पास, 4 है, 4 का स्क्वायर 16, वो भी इवन नंबर है। तो मतलब हर इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही होगा, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता था, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑड। 19 ऑड नंबर है, स्क्वायर 361 ये भी ऑड नंबर है। 17 ऑड है, 289 भी ऑड है। तो हर इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होगा, हर ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होगा, सेकेंड प्रॉपर्टी ने यह कहा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द नंबर एंडिंग इन 3, 2, 3, 7, 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। कि जिस नंबर के एंडिंग में 2, 3, 7, 8 आ जाएगा वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देख लीजिए, एंडिंग में 2, 3, 7, 8 किसी के भी नहीं आ रहा, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 2, 6, 9, 4, 1, 0, मतलब 3, 2, 3, 7, 8 जिस भी नंबर के एंडिंग में आ जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसने एग्जांपल दिया हुआ है, 42 के एंड में 2 आ गया तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसा नहीं है जिस भी नंबर के एंडिंग में 1 आ जाएगा, मतलब जैसे कि इसके अलावा जो भी नंबर बच गए वो अगर एंडिंग में आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, नहीं। लेकिन जिसके एंडिंग में 2, 3, 7, 8 आ गए वो कभी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर एन, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर एन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक नेचुरल नंबर है 2 हमारे पास, इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर का हमने ऐड कर लिया, 1 और 3, दैट इज इक्वल टू 4। ये सब एन, हम एन का हमें फाइंड करना है 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास मेथड तो है 3 × 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर निकल जाएगा 9। लेकिन जो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर हम फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर नहीं ओड नंबर को ऐड करते हैं 1 + 3 + 5 तो भी हमारे पास इसका स्क्वायर निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर फाइंड करना है तो फर्स्ट 4 ओड नंबर 1, 3, 5, 7 डेट इज इक्वल टू 16। प्रॉपर्टी 3 नेचुरल नंबर, ये वाली प्रॉपर्टी 3 नेचुरल नंबर ए बी सी आर कॉल्ड ए पाइथागोरन ट्रिपलेट इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। For any natural number m such that m greater than 1, the Pythagorean triplet is given by 2m, m square minus 1, m square plus 1.
इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी अगर तीन नेचुरल नंबर होंगे ए बी सी, उन्हें पाइथागोरन ट्रिपलेट कब कहेंगे, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो। ये पाइथागोरस थ्योरस टाइप का ही है, जिसमें ये था ट्रायंगल के तीन साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट इन तीन नंबर को हम जब कहेंगे, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। अब क्या कहा है पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करने का फॉर्मूला है 2m m स्क्वायर माइनस 1, और m की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, 1 नहीं रहेगी। 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, अगर हम m की वैल्यू रखते हैं 3 तो 2m 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6, m स्क्वायर माइनस 1 3 का स्क्वायर माइनस 1 8, m स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 10। और अगर m की वैल्यू 4 रहेगी तो हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला वापस गिवन है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 8 15 17। अब क्या मतलब होगा कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर होगा। हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं स्क्वायर की, तो हमारे पास अगर ऐसे कोई तीन नंबर फाइंड करने को आया है कि आप ऐसे कोई तीन नंबर फाइंड करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो, तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाएँ तो बस वही तीन नंबर फाइंड होते जाएंगे। ऐसे ये निकल गया यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर होगा, 36 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 100। यहाँ पर भी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर होगा। ऐसे ऐसी प्रॉपर्टी नंबर 7 है, इसे एक बार आप रीड कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर। ये आपके पास पैटर्न बना रखा है कि आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत, मतलब ईजी करने के लिए एक ट्रिक है, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर, मतलब इधर 1 इंक्रीज करता जा रहा है, ये इसका स्क्वायर फाइंड करने का तरीका बता रहा है ये कि हम इसे यहाँ पर 2 है, 1 कितने है 2, तो 1 2 तक जाएगा फिर वापस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पर कितने थे 3, तो 1 2 3 तक गया वापस फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ 1 1 1 कितने थे 4, तो 1 2 3 4 तक गया, 4 के बाद फिर वापस डिक्रीजिंग में 3 2 1। यहाँ 5 तक जाएगा, यहाँ 6 तक, लास्ट में देखिए 1 1 1 कितने 9 है, लास्ट वाले में 9 1 है। तो हम इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए एक ट्रिक है, आप मल्टीप्लाई करने को तो वो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 तक पहुँचने के बाद आप फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें 8 8 1 थे, 1 1 1 1 करके 8 थे, इनका स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम 8 तक जाएंगे फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको बताई हुई है। क्या कहा है इन दिस इन द गिवन पैटर्न वी कुड नोटिस इंटरेस्टिंग पैटर्न रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसके अंदर भी एक आपको ट्रिक बताई हुई है, क्या बताई हुई है, 1 का स्क्वायर 1 1 2 1 1 2 1। ये वो ये पिछली बार वाला जैसे, हम इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 तक गया वापस डिक्रीजिंग 5 4 3 2 1। ये हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, इसका मतलब क्या है अगर हम इस सभी को ऐड करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, कहाँ तक गए हम, यहाँ इसमें कहाँ तक गए हैं 6 तक गए हैं, हाईएस्ट टर्म क्या है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर 36। इसके अंदर क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाईएस्ट कहाँ तक गए हम 9 तक, तो इन सभी का अगर हम सम करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस, जितना भी है इन सभी टर्म का हमने प्लस किया तो क्या आएगा, क्या आएगा हाईएस्ट टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1 इज 64 ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं इसको चेक करने के लिए हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस, हमने पेयरिंग की तो एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, 3 पेयर बन गए, तो सारे जो फैक्टर्स थे पेयरिंग में आ गए, मतलब इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 363 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट। देखिए यहाँ पर 64 वाला प्राइम फैक्टर करके दिखाया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि हमें फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 363 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि 363 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें किस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले हम 363 का फाइंड कर लेंगे फैक्टर, इसने फैक्टर किया है 3 11 11, तो 363 को लिया 3 क्रॉस 11 क्रॉस 11
ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। अब हमें इसको क्या बनाना, परफेक्ट स्क्वायर। 11 का तो है, 11 का तो एक पेयर बन गया, 3 का पेयर बनाने के लिए हमें इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने किस से मल्टीप्लाई किया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 3 से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3। थर्ड एग्जांपल है, फाइंड आउट द नंबर हुज परफेक्ट स्क्वायर इज 324। 324 का फैक्टर कर दिए, सिमिलरली जो हमने ऊपर किया है, यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, 2 का पेयर, 1 3 का पेयर, 1 2 3 का पेयर, तो 2 × 3 × 3 इट इज़ इक्वल्स टू 18। तो 324 जो है वो 18 का परफेक्ट स्क्वायर है। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। हमें इनके स्क्वायर फाइंड करने हैं। स्क्वायर तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई का भी कर सकते हैं, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36। लेकिन हमें जो फाइंड करना है प्रॉपर्टीज फाइंड करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो तो फर्स्ट, जैसे मान लो 5 फाइंड करना है तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर का हम सम कर दें, 6 का फाइंड करना है तो फर्स्ट 6 ऑड नंबर का हम एड सम कर दें। तो हमने वही किया, 5 का फाइंड करने के लिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 6 का फाइंड करने के लिए फर्स्ट 6 ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11, 7 का फाइंड करने के लिए फर्स्ट 7 1 2 3 4, ये सारे ऑड नंबर हैं स्टार्टिंग से। 10 का फाइंड करने के लिए 10 ऑड नंबर ले लिए, इन सभी का हमने सम कर दिया तो जाएगा 100। सिमिलरली यहाँ पर फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर, ये जो हमने प्रॉपर्टी छोड़ दी थी ना कि आप रीडिंग कर लेना, इसमें क्या बताया हुआ है, इसके ऊपर कोर्स एग्जांपल है तो हम इसको रीड कर लेते हैं। इसमें क्या बताया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर और इक्वल टू द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू द, कि मतलब क्या था कि कोई भी दो नंबर है हमारे पास, इस मान लीजिए कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार, जैसे हमने फर्स्ट नंबर ले लिया 3, सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 4, फर्स्ट नंबर हमने 4 ले लिया, सेकंड 5, ये नहीं 4 और 10 ले रहे हो, नहीं कंसेक्यूटिव नंबर लाइन से 3 4 4 5 6 7 8 8 और 9 अगर ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन कंसेक्यूटिव होनी चाहिए जो नंबर आगे पीछे हों नेचुरल नंबर्स में। तो हम एक ले लिया हमने, अगर मान लीजिए n है, फर्स्ट n है, सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें एक ऐड कर दें n प्लस 1, तो दो हमने कंसेक्यूटिव नंबर लिए n और n प्लस 1। क्या कहता है कि उनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस, मतलब कि n प्लस 1 बड़ा वाला है इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन सा है इसमें से, n, इसका ट्वाइस और प्लस में 1, कि 2n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला निकल जाता है, ये वाला 2n प्लस 1। या आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो उससे भी सोल्व करके आ सकता है। फिर क्या कहा इसने, तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकलता है यहाँ से, और अगर हम एक मिनट, अब हमने दो नंबर माने n माइनस 1 और n, अब इसमें छोटा वाला n माइनस 1 है, बड़ा वाला n है, इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर का ट्वाइस माइनस 1। इसमें क्या लिया हमने, छोटे वाले दो फॉर्मूले निकले कि हम क्या कर सकते हैं, या तो बड़े वाले नंबर का छोटे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें, या फिर बड़े वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दें। यहाँ पे हमने दो ये इसलिए लिखा रखा है, एन यहाँ पे जो है बड़ा वाला नंबर है और एन यहाँ पे जो है वो छोटा वाला नंबर है, ये वाला। तो दो फार्मूले हैं, या तो छोटे वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें, या फिर बड़े वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दें। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, 13² - 12², हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसने वही है एन प्लस एन 2n प्लस 1 कर रखा है, छोटा वाला टर्म लिया आपने 12, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो प्लस 1 कर दिया, ये हो जाएगा 12 × 2 = 24 + 1 डेट इज़ इक्वल्स टू 25। सिमिलरली छोटे वाला टर्म लिया 35 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से और क्या कर दिया प्लस 1, ये हो जाएगा 71।
इसी टाइप से एग्जांपल नंबर 6 से आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चंस, एक बार रीडिंग कर लेना इस चैप्टर की और एग्जांपल सॉल्व कर लेना। थैंक यू।